अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बटाटा। ये एक इंडियन स्नैक है और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी डिश होती है। आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1/2 kg ये मैंने आलू लिए हैं और ये पानी मैंने रख दिया है यहाँ बॉईल होने के लिए। और अब ये आलू जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ धो के। और ये जो बड़े आलू थे उनमें मैंने इस तरह से बीच में कट लगा लिए ताकि जल्दी बॉयल हो जाएँ। और ये सबसे पहले बॉयल हो जाएंगे। और इसके लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए, ये मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है और यह एक प्याला ये भर के मैंने नाप के लिया है 150 ग्राम है। और इसमें 1 teaspoon नमक, 1.5 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर और ये मीठा सोडा, खाने का सोडा जो पकौड़ों में डलता है, और 1 tablespoon अनारदाना। अनारदाना अगर अवेलेबल नहीं हो, नहीं मिले, तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर डाल सकते हैं इसे खट्टा करने के लिए। और थोड़ा सा हरा मसाला, ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, इनको मैं बारीक कट कर लूँगी अभी, ये जाएगा इसमें। आलू मैश कर लिए हैं बॉईल करके और इनको मैश कर लीजिए इस तरह से, हाथ से कर लें, फोक से कर लें, पोटैटो मैशर से कर लें। और अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। ये लाल मिर्चों का पाउडर, ये 1.5 teaspoon लिया है मैंने और थोड़ा सा बचा रही हूँ मैं, ज़्यादा लग रहा है मुझे। और ये चाट मसाला 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, ये अपनी पसंद के हिसाब से, और 1 teaspoon ये धनिया, साबुत धनिया, ये हल्का हल्का सा कूट लिया है मैंने। और ये देखिए अनारदाना इस तरह से धो के मैंने चाय वाली छलनी में रख दिया है। ये कभी कभी मिट्टी होती है इसमें हल्की, धोने लेना अच्छा है, धो लीजिएगा। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर अनारदाना नहीं डालना चाहें तो आमचूर पाउडर डाल लें, नींबू डाल लें, और ये हरा मसाला, हरी मिर्चें बारीक चौक, हरा धनिया और प्याज बिल्कुल बारीक चॉप, तीनों चीज़ें। और अब इनको मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और फिर इनकी बॉल्स बना लूँगी। ये पूरा बैटर मिक्स करके और अब इनकी इस तरह से बॉल्स बना लीजिए। ये मैंने दो बना के रखी हूँ। और जो बाज़ार में मिलते हैं बटाटा वड़ा, वो बहुत काफ़ी इससे बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन ये मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ। और अब ये बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। नमक डाला 1 teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर 1 teaspoon, और ये इसमें थोड़ा सा कलर अभी बाद में डालेंगे पानी के बाद। ये मीठा सोडा पकौड़ों में जो डलता है, खाने का सोडा 1/4 teaspoon, थोड़ा सा। और अब ये बैटर तैयार करके और अब मैं ऑयल को गर्म करने के लिए रखती हूँ। और अब इस तरह से एक एक बॉल उठाएं, इस तरह से डालें, पूरी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करें और इस तरह से आराम से इसको उठा के और ऑयल को पहले गरम कर लें और फिर उसके बाद मीडियम से थोड़ी कम इसकी आंच रखें और इसे आराम से गोल्डन फ्राई होने दें। और अब ये डाल रही हूँ, और मैं जितनी आ जाएं आराम से कढ़ाई में, पैन में, उतनी डालिए। ये मैंने 3 डाल दी हैं और अब ये फ्राई जाएंगी। इसी तरह से मैं सारी फ्राई कर लूँगी। और ये इस तरह से आप इस तरह हाथ से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चमचे से डालें। इस तरह से हाथ, जिस तरह से आपको आसान लगे, सही से आपसे डल जाएँ, इस तरह से डालिए। तो ये हमारे बटाटा वड़ा तैयार हैं।
और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छे लगें, आपको पसंद आए मेरी रेसिपी, तो शेयर भी कीजिएगा आगे, और मेरे यूट्यूब चैनल किचन धुमैरा को सब्सक्राइब कीजिए अगली रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।